नमस्ते। हर मिनट में चार चार शब्द की वृद्धि करते हुए यह डिक्टेशन 124 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी? यस। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि बांग्लादेश से संबंधित जितने भी व्यापारिक निर्णय हो और जितनी भी कार्यवाही हो वह सरकारी स्तर पर होनी चाहिए। व्यापारियों को बांग्लादेश से सीधे व्यापार करने का मौका नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हमारे और बांग्लादेश के मैत्रीपूर्ण संबंध में कहीं न कहीं गतिरोध पैदा हो सकता है, कुछ गलतफहमियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। संभव है कि व्यापारी अपने मुनाफे की वजह से बांग्लादेश के अच्छे भले लोगों का शोषण कर सकते हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि बांग्लादेश के साथ जो भी हमारी व्यापारिक नीति हो, जितने कारोबार हो, वह सरकारी स्तर पर होनी चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि भारत की बांग्लादेश के बाद दूसरे छोटे छोटे पड़ोसी राष्ट्रों पर नजर है। उनका कहना है कि भारत इन राष्ट्रों को किसी न किसी तरह से अपने प्रभाव क्षेत्र में रखना चाहता है। यह बिल्कुल गलत है। इस आरोप का इस सदन में जोरदार विरोध होना चाहिए। इस बात का बहुत बार स्पष्टीकरण किया गया है कि हम किसी भी देश के ऊपर शक्ति द्वारा प्रभाव नहीं चाहते। हम तो इस राजनीति में विश्वास ही नहीं करते हैं। हमारी वैदेशिक नीति की बुनियाद हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के समय में रखी गई थी। जो नीति आपसी सहयोग और सद्भावना की नीति है। हम एक दूसरे के विकास में मदद देना चाहते हैं। हमारी कोई भी इस तरह की नीति नहीं होगी जिससे कि हमारे पड़ोसी देशों को किसी भी तरह हमारी बांग्लादेश संबंधी नीति पर शंका हो। बांग्लादेश के संबंध में चर्चा करते हुए अपने देश के पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों की चर्चा करना आवश्यक है। इन इलाकों की आर्थिक परिस्थिति बहुत कुछ बांग्लादेश से मिलती है। वहां स्थिति बहुत गंभीर है और मैं इस संबंध में चाहूंगा कि सरकार उसका सर्वेक्षण कराए कि इस देश के जो पिछड़े इलाके हैं उनकी 1950 में क्या स्थिति थी और आज क्या है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि स्थिति वैसी ही है और उसमें कोई सुधार नहीं हो पाया है। यह सब हमारी गलत नीति के कारण ही है। हमारी यह आशा थी कि औद्योगिक नीति के द्वारा ये जो पिछड़े इलाके हैं वे विकसित हो जाएंगे और देश के उन्नतिशील इलाकों के मुकाबले में आ जाएंगे। इसलिए हमने इन पिछड़े इलाकों में बड़े बड़े उद्योग लगाए हैं। मेरे बिहार प्रांत में कोई 600 करोड़ रुपए केंद्रीय सरकार के लगे हुए हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा? इन भारी उद्योगों से वहां की सामाजिक व्यवस्था और वहां के रहने वालों की आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि पिछड़े इलाकों की आर्थिक विकास की जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार अपने ऊपर ले ले। जिस प्रकार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है उसी प्रकार इन पिछड़े इलाकों की आर्थिक विकास की जिम्मेदारी लें। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो जानते ही हैं कि हमारी सीमा एक तरफ तिब्बत से मिली हुई है और दूसरी तरफ नेपाल से मिली हुई है। वह एक पहाड़ी इलाका है, वहां अन्न का उत्पादन नहीं के बराबर होता है। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह के फल साग सब्जियां वहां
उग सकती हैं, किस तरह से जड़ी बूटियों का अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, किस तरह से उद्योग वहां चल सकते हैं और किस तरह से इस इलाके की उन्नति हम कर सकते हैं। आबादी की दृष्टि से भी जिन पहाड़ी और सीमा के इलाकों को इस समय राज्य का दर्जा दिया गया है, जिनको पूरे प्रदेश का दर्जा दिया गया है, उनमें से केवल कश्मीर ही एक ऐसा इलाका है जो हमसे आबादी में बड़ा है। वहां की आबादी हमारे पहाड़ी जिलों की आबादी से केवल 8 लाख अधिक है। बाकी जितने भी इलाके हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, उनकी आबादी हमसे कम है। हमारी आबादी 40 लाख है, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य की आबादी 30 लाख है। इस तरह से बाकी जितने भी पहाड़ी सीमा प्रदेश हैं, उनमें किसी की भी आबादी 20 लाख से अधिक नहीं है। पहाड़ी इलाकों में हमारी आबादी का वहां की कुल आबादी का दूसरा स्थान है। हमारे प्रधानमंत्री जी गरीबी हटाना चाहते हैं, गरीबों को राहत पहुंचाना चाहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं। मैं समझता हूं अब समय आ गया है कि आज हम लोगों को भी अपनी किस्मत का फैसला करने का अवसर दिया जाना चाहिए और हमारे इन पहाड़ी क्षेत्रों को पूरे राज्य का अधिकार दिया जाना चाहिए। हमको भी मौका दिया जाए कि हम अन्य प्रदेशों की तरह, कश्मीर की तरह, निफा की तरह तथा दूसरे पहाड़ी प्रदेशों की तरह अपने इलाके की उन्नति के लिए योजना बना सकें, अपने इलाके को उन्नत बना सकें। हमारे प्रधानमंत्री बड़े दयालु हैं, उनके दिल में गरीबों के लिए दर्द है, वे गरीबी मिटाने के लिए बेचैन हो सकते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री आज हमारे पास मौजूद हैं और वे समाजवाद की ओर बढ़ना चाहते हैं, गरीबों को खुशहाल देखना चाहते हैं। स्टॉप, ये डिक्टेशन 124 शब्द प्रति मिनट की गति से 7 मिनट की रिकॉर्ड की गई है। आपको सलाह दी जाती है कि इसकी आउटलाइन पढ़ें, उनका लिप्यंतरण करें और लिप्यंतरण को दिए गए लिंक में से चेक करें ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कितनी गलतियां हैं। अंत में सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।